क्योंकि मैं कहीं और जाने वाली थी आज, क्या नाम था उसका, मंचूरिया पार्क जाने वाली थी। मुझे भी नहीं पता, पहली बार मैं जा रही, मैंने सोचा आपको दिखाऊंगी, पर जाके पता चला कि वहाँ पर बंद है, लॉकडाउन चल रहा है अभी भी। लेकिन जोधपुर में हर जगह सब कुछ खुल गया है, कॉलेज स्कूल वगैरह कोचिंग वगैरह हर कुछ खुल गया है, लेकिन पता नहीं वो नहीं खुल रहा है, सरकार ने मना कर रखा है, सबसे जाने के बाद पता चला। तो गाइस मैंने सोचा आप, पता था नेहरू पार्क जो अभी मैं खड़ी हूँ, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। मुझे, मैंने भी नहीं देखा, मैं भी पहली बार आई हूँ, और अभी तो बाहर से दिखने में बहुत ही ग्रीन ग्रीन, मुझे लग रहा है कि मुझे फील हो रहा है कि बहुत अच्छा लगने वाला है, तो मैं भी देखूंगी और आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट वीडियो स्टार्टेड। लेकिन अभी तक रास्ता भटक गई थी, अभी तक कुछ मिला नहीं था वहाँ पर जाने का, वो पहाड़ी के ऊपर था, उधर जाने में टाइम लग गया, फिर जाके वापस उधर आई, फिर इधर पहुँची, तब तक टाइम हो गया। और अभी अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धूप भी है और हल्की हल्की ठंडी है, फिर इसलिए मैंने ये पहन के आई, तो आपको वीडियो दिखाती हूँ। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कट किया हुआ ये पौधे है, कितने सुंदर से लाइन वाइज यहाँ पर रखे गए हुए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक सबसे खास बात है, यहाँ पर है ना फ्री में योगा सिखाते हैं, कोई भी बच्चे बूढ़े सबको फ्री में योगा सिखाइए, बहुत अच्छी बात है कि फ्री में योगा सिखाते हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है और ग्रीन ग्रीन, बहुत ही नेचुरल सा फील आता है। तो गाइज आप देखिए कि यहाँ पर है ना नंबर लगा है हर पैर पे, आप ये अगर कहीं भटक भी जाए ना तो आप नंबर देख के, आप एक साइन है, नंबर देख देख के आप जा सकते हो, 198 ये एक साइन है, बहुत मतलब कहीं ये बहुत बड़ा है और एक भुलभुलैया टाइप है, तो आप अगर कहीं भटक जाए या बच्चे बताते तो नंबर से आप इसे पहचान के जा सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे बेंचेस है, महिला बेंच जो यहाँ पर लेडीज के लिए बैठने के लिए बहुत अच्छी सी जगह बना दिया है, और बहुत सारी बैठने की जगह है, और बहुत बड़ा है, पिकनिक मनाने के लिए बहुत बहुत अच्छी जगह है। और अगर आप, हाँ अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए पिकनिक के लिए आते हैं, अगर बच्चे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, आ जाइए। देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है,
बच्चों का मन यहाँ पर पूरी तरह से लग जाएगा। एक छोटा सा बेंच लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर बच्चे झूलते रहेंगे और अपना इंजॉय आप करते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ये साइन बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि आसपास के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके बच्चे यहाँ पर खेलने प्लेग्राउंड है, झूला झूला झूल सकते हैं, शीशो है, खेलने के लिए आ सकते हैं। और आसपास के लोग यहाँ पर पास में जिम भी है, वो भी मैं दिखाऊंगी, पर इसमें है ना बच्चे खेलने आ सकते हैं। आप देख सकते हैं गर्मियों के दिन 6 से 8 बजे तक टाइम है और शाम को 6 से 8 बजे तक, और सर्दियों में 7 से 9 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक। तो आपके बच्चों का टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाता है, खेल कूद भी हो जाती है और उनका फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाता है। इधर देखिए ये है बच्चों के लिए, और मैं आपको इधर दिखा रही हूँ झूला। तो मैं यहाँ पर झूला झूलने जा रही हूँ और आप देखना, मैं झूला झूल के आपको दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर झूला झूलने को मैं बाद झूला झूल रही हूँ मैं। So guys, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया है, तो मैं अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, कुछ ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप तो यहाँ पर मैं नाश्ता करने वाली हूँ। तो गाइस मैं अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। मेरे पास है ये टिफिन बॉक्स और जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर है टेस्टी टेस्टी केले के पकोड़े और मेरा फेवरेट वाला हाइडन शेक बिस्किट। तो ये खा लूंगी और एक बार ये मेरा टेरे, मेरे सबसे फेवरेट, मेरे टेरे मेरे बहुत अच्छा लगता है, तो कम से कम हर रोज तो एक पैकेट खा लूँगी। गए चाय पियोगे, आ जाइए। वेल गाइस, हमारा यहाँ पे नाश्ता कंप्लीट हो चुका है, हर पेट नाश्ता कर चुकी हूँ। अब मैं आपको ले जा रही हूँ जिम की तरफ। यहाँ पर खुल्लम खुल्ला जिम बना हुआ है, यहाँ पर सारे एक्सरसाइज लगाने वाली मशीनें रखी हुई है। आप तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत मजा आया आज के दिन, नाश्ता किया, बहुत खुश, एक थोड़ा बहुत वॉकिंग भी हो गया, थोड़ा बहुत फ्रेश फ्रेश फील भी हो गया, झूला भी झूला, बहुत अच्छा लगा। अब जब भी जोधपुर आए आप इस जगह को स्किप ना करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पर आए और इसे देख के जाए कितना अच्छा गार्डन पार्क जो भी बोले बहुत अच्छा बना हुआ है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए आप बहुत अच्छे से। तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही इन्जॉयफुल के साथ, इन्जॉय वाली वीडियो के, तब तक बाय बाय।